सी एस एस प्योर मैथ के 2023 में आए हुए पेपर का क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो आज सॉल्व करेंगे मैथ लॉजिक के प्लेटफॉर्म से हम सी एस एस के पेपर्स की सी एस एस के मैथ पेपर्स की तैयारी करवा रहे हैं अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के ए पार्ट में हमें एक फंक्शन u गिवन है और हमें ये रिजल्ट ड्राइव करना है और फाइव के बी पार्ट में हमने इस डबल इंटीग्रल को वैल्यूएट करना है ओवर द डोमेन बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फाइव के ए पार्ट में हमें फंक्शन u गिवन है और हमें ये रिज़ल्ट वेरीफाई करना है u xx प्लस यू वाई वाई प्लस यू जीज इज इक्वल टू ज़ीरो यू का मतलब है इस u का पार्शल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दो दफ़ा u y y का मतलब है इस u का पार्शल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से दो दफ़ा और u z z का मतलब है इस u का पार्शल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट से दो दफ़ा ये पार्शल डेरिवेटिव्स हमने फाइंड करने हैं इन तीनों को सम करना है और आंसर ज़ीरो आना चाहिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन u है इसका डेरिवेटिव लेने के लिए आसान करने के लिए मैं डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिख रहा हूँ न्यूमिनेटर में लिखने से एक्स केय प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर माइनस वन बाई टू हो गई अगर मैं ऐसे ही रखता वन ओवर एक्स क्वे प्लस वाई स्क्यर प्लस जी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट तो मुझे क्वेश्चन रूल से डेरिवेटिव लेना पड़ता ऊपर लिखने से अब मैं सिंपल पावर प्लस चेन रूल से डेरिवेटिव लूंगा पहले मैं यू एक्स एक्स मालूम करने के लिए इसको पार्शली डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियट करेंगे तो पावर माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे पावर माइनस वन बाई टू को एक कम करेंगे तो माइनस थ्री बाई टू हो जाएगी और फिर जिस रकम की पावर है उसका डेरिवेटिव लेना है हमने एक्स स्क्वेयेर प्लस वाई स्क्वेयेर प्लस जी स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेना है डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट से तो वाई स्क्वेयर और जी स्क्वेयर कॉन्स्टेंट हैं इनके डेरिवेटिव जीरो हो गए और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव पावर रूल से टू एक्स आ गया हमारे पास इसमें टू टू से कैंसिल हो जाएगा ये मेरे पास माइनस का एक्स आ जाएगा और ये ब्रैकेट जो है वो मेरे पास एज इट इज आ गई ये फर्स्ट डेरिवेटिव हल हो गया अब इसको दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पार्शली जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा पहले हम माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे जो कि हमारे पास माइनस वन आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की पावर माइनस थ्री बाई टू एजट इज फिर प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस होता है लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा ये वाला एक्स इट इज आ जाएगा अब इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसमें पावर प्लस चेन रूल पावर से मल्टीप्लाई करेंगे पावर को एक कम करेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे जिसकी पावर है पावर माइनस थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई किया पावर को एक कम किया माइनस थ्री बाय टू को एक कम किया माइनस किया तो माइनस फाइव बाई टू हो गई और अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्वेयर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव पार्शली लेना है एक्स के रिस्पेक्ट से लेना है तो वाई स्क्र और जी स्क्यर कॉन्स्टेंट है इनका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव हमारे पास टू एक्स आ गया ये फर्स्ट टर्म हमारे पास एज इज आ जाएगी इस सेकेंड टर्म के अंदर टू कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री आ जाएगा और एक्स इन टू एक्स एक्स हो जाएगा प्लस थ्री एक्स स्क्र आ गया और साथ में ये वाली ब्रैकेट हमारे पास एज इट इज आ गई ये हमने u का सेकेंड ऑर्डर का पार्शल डेरेवेटिव मालूम कर लिया है पहले x के रिस्पेक्ट से और फिर बाद में भी x के रिस्पेक्ट से अब हमें मालूम करना है यू वाई वाई, वाई। यही हमारे पास u है यानी u है हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की पावर माइनस वन बाई टू अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू y वही पावर प्लस चेन रूल लगेगा यू वाई आएगा हमारे पास पावर माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई किया पावर माइनस वन बाई टू को एक कम किया तो माइनस थ्री बाई टू हो गई अब मुझे डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्यर प्लस जी स्क्वेयर का इसमें एक्स स्क्र और जी स्क्वेयर का जीरो आ जाएगा वाई के रिस्पेक्ट से डायरेवेटिव ले रहे हैं एक्स और जी कॉन्स्टेंट होंगे और वाई स्क्वेयेयर का डेरिवेटिव पावर रूल से टू वाई आ गया इस डेरिवेटिव को हमने करना है सिंप्लीफाई जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा यू वाई में ये माइनस वाई आ जाएगा हमारे पास और ये वाली ब्रैकेट एज इज आ जाएगी यानी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की पावर माइनस थ्री बाई टू ये यू वाई मालूम कर लिया क्या करना है एक दफ़ा और पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई से प्रोडक्ट रूल लगेगा यू वाई वाई बन जाएगा माइनस वाई का डेरिवेटिव माइनस वन हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्यर प्लस ई स्क्वेयर की पावर माइनस थ्री बाई टू एज इट इज़ फिर प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस आता है इस माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा वाई एज इट इज आ जाएगा इसका डेरिवेटिव फिर पावर रूल से लेंगे पावर माइनस थ्री बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर एक कम करेंगे तो माइनस थ्री बाई टू में से कम करके माइनस फाइव बाई टू हो जाएगी और फिर डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्यर का जिसकी पावर थी और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो वो टू वाई डायरेवेटिव आ जाएगा अब हमारे पास ये फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी सेकेंड टर्म में ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री हो जाएगा और वाई वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वेयर हो जाएगा थ्री वाई स्क्वेयर हो जाएगा और ये वाली ब्रैकेट हमारे पास एज इट इज आ गई ये हमने यू वाई वाई मालूम कर लिया यू एक्स एक्स मालूम किया है हमने पहले ये आंसर आया है फिर हमने यू वाई वाई मालूम किया है ये आंसर आया है इनकी सिमेट्री देखते हुए आप यू जी जी को बगैर कैलकुलेशंस के डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ क्या फ़र्क आएगा कि यू एक्स एक्स में यहाँ पे थ्री एक्स स्क्र आ रहा था यू वाई वाई में यहाँ थ्री वाई स्क्र आ रहा था बाकी बिल्कुल सेम था यू जी जी मालूम करेंगे तो यहाँ थ्री जी स्क्वेयर आ जाएगा इस जगह बाकी सेम ब्रैकेट्स आ जाएंगी तो हमारे पास यू जी जी का आंसर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की पावर माइनस थ्री बाई टू यहाँ वाई स्क्वेयर की जगह जी स्क्वेयर आ गया थ्री जी स्क्वेयर बाकी सब कुछ सेम रहा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की पावर माइनस फाइव बाई टू हमने तीनों सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स मालूम कर लिए हैं अब हमें इन तीनों का सम करना है उसके लिए वन टू और थ्री को एड करते हैं लेफ़्ट साइड हमारे पास यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जी जी बन गई यू एक्स एक्स ये वाला प्लस यू वाई वाई प्लस यू जी जी राइट साइड पे जब तीनों में पहली टर्म्स को हम ऐड करेंगे ये हमारे पास पहली टर्म्स हैं तीनों में बिल्कुल सेम है तो ये तीनों टर्म्स एड होके माइनस थ्री टाइम्स एक्स प्लस प्लस जी की पावर माइनस थ्री बाई टू बन जाएगी और अब हमने बाकी ये तीनों हाई टर्म्स को एड करना है जब हम इन तीनों ब्लू कलर से हाई हुई टर्म्स को एड करेंगे तो आप इन तीनों में देखें थ्री कामन आ जाएगा एक्स एक्सक्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की पावर माइनस फाइव बाई टू कॉमन आ जाएगा तो थ्री और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की पावर माइनस फाइव बाई टू का मन आ गई उसके बाद यहाँ से आएगा हमारे पास एक्स स्क्र यहाँ से आएगा प्लस का वाई स्क्वेयर यहाँ से प्लस का जी स्क्वेयर यानी प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्यर प्लस जी स्क्वेयर आ गया लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी और ये जो सेकेंड टर्म है इसमें एक्सक्वेयर प्लस वाई स्क्यर प्लस जी स्क्वेयर की पावर वन है और एक्सक्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की पावर माइनस फाइव बाई टू है ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी माइनस फाइव बाई टू में वन ऐड करेंगे तो माइनस का थ्री बाई टू आ गया फर्स्ट टर्म माइनस थ्री टाइम्स एक्स स्क्र प्लस फाइव स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की पावर माइनस थ्री बाई टू है सेकेंड टर्म प्लस थ्री टाइम्स एक्सक्केय प्लस फाइव स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की पावर माइनस थ्री बाई टू है दोनों टर्म्स सेम है एक प्लस की एक माइनस की कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा राइट right साइड पे यानी हमने जो प्रूफ करना था जो प्रूफ करना चाहते थे वो हमने कर लिया है यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जी जी इज इक्वल टू ज़ीरो प्रूफ कर लिया है क्वेश्चन नंबर फाइव का बी पार्ट है ये डबल इंटीग्रल एवेल करना है और जिस रीजन के लिए जिस डोमेन के लिए एवेलुएट करना है वो डोमेन बाउंड हो रही है इन दो कर्व्स की मदद से तो क्या करना है डबल इंटीग्रल को हमने एवेलुएट करना है आर्डर ये रख के कि पहले एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की जाए और बाद में वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की जाए इंटीग्रेशन की लिमिट्स नहीं दी हुई उसने जो रीजन है जिसके ऊपर हमने इंटीग्रल को एवेलुएट करना है वो रीजन जिन कर्व से बाउंड हो रहा है वो कर्व्स दी हुई हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम उस रीजन को स्केच करें तो सबसे पहले हम इस रीजन को स्केच करते हैं सबसे पहले हम स्केच करने लगे हैं कर्व y इक्वल टू एक्सकेयर वाली y इक्वल टू एक्सकेयर वाली कर्व का ग्राफ आपके सामने है ये पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओ है और जो अपवर्ड डायरेक्शन में है अब हम स्केच करते हैं इक्वल टू स्क्वेयर वाली कर्व ये आपके सामने इक्वल टू स्क्वेयर वाली कर्व है ये भी एक पैराबोला है इसका वर्टेक्स जीरो जीरो है और ये राइट वर्ड है ये इन दोनों ग्राफ्स का कंबाइन कॉमन रीजन है जिस रीजन के ऊपर हमने इंटीग्रेशन करनी है इस कंबाइंड रीजन को हाईलाइट करते हैं और हमारे सामने जो है ये वो स्केच रीजन है और ये हमारे पास शेडेड एरिया है हमने वाई इजक्ल टू एक्स स्क्र वाली कर्व स्केच की है एक्स इजक्ल टू वाई स्केयर वाली कर्व स्केच की है दोनों से जो रीजन बाउंड हो रहा है वो ये बाउंडेड रीजन आपके सामने शेडेड मौजूद है हमने इस रीजन के ऊपर इंटीग्रेशन करनी है पहले हमने x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है फिर हमने y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है उसके लिए हमें जो है लिमिट्स मालूम करनी है लिमिट्स मालूम करने से पहले मैं दोनों कर्व्स के ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करता हूँ और चूंकि मुझे पहले x के और बाद में y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है तो y की लिमिट्स मेरे पास कांस्टेंट आएगी मैं इन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट मालूम करता हूं दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करते हैं और मालूम करना चाहता हूं दोनों कर्व्स के इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के वाई कोआर्डीनेट्स वैसे तो इस पॉइंट का वाई कोआर्डिनेट आप आसानी से देख सकते हैं जीरो है इस पॉइंट का वाई कोआर्डीनेट मालूम कर लेते हैं दोनों कर्व्स को सॉल्व करके और हम y कोऑर्डिनेट मालूम करना चाहते हैं तो हम इन दोनों इक्वेशन में से x को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो ऐसा करते हैं ये जो हमें एक्स इजल टू वाई स्क्वेयर गिवन है इसमें से x की वैल्यू इस वाई इजल टू एक्स स्क्र वाले में पुट कर लेते हैं एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर को हम सब्सिट्यूट कर रहे हैं इस टू में यहाँ पे x की जगह हम वाई स्क्यर लिखेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू वाई स्क्यर का स्क्यर आ गया वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर सॉल्व होकर वाई पावर फोर हो जाएगा वाई इज इक्वल टू वाई फोर आ गया वाई फोर को लेफ्ट पर ले आए तो वाई माइनस फाई फोर इज इक्वल टू जीरो आ गया ये जो इक्वेशन बन गई है इस इक्वेशन को सॉल्व करके वाई मालूम करना है कैसे सॉल्व किया जाए वाई को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वन माइनस फाइव का क्यूब आ जाएगा दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हैं तो या तो पहला फैक्टर यानी वाई ज़ीरो होगा या दूसरा फैक्टर वन माइनस फाइव क्यूब इक्वल टू ज़ीरो होगा y इज इक्ल टू जीरो से y की वैल्यू जीरो ज़ीरो निकल आई जो कि बेसिकली ये वाला पॉइंट है वन माइनस वाई क्यूब इज इक्ल टू जीरो से y मालूम करने के लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो एक वन माइनस वाई आएगा और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगी वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगी उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे इसलिए मैं इसके फैक्टर्स नहीं बना रहा सिंपली वन को राइट right साइड पर ले जाते हैं या वाई क्यूब को राइट right साइड पर ले जाते हैं वाई क्यूब इज़ इक्वल टू वन आ गया क्यूब रूट लिया तो वाई की वैल्यू वन आ गई बाकी दो क्यूब रूट्स इसके आएंगे वो कम्पलेक्स नंबर्स आएंगे जिनको हमने पढ़ा हुआ है वो उमेगा और उमेगा स्क्यर होते हैं तो बेसिकली उनकी यहाँ ज़रूरत नहीं है यहाँ रियल वैल्यू चाहिए तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास वन आ गया इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो आया है और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास वन आया है अब हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन मालूम करते हैं हमने पहले इंटीग्रेशन करनी है एक्स के रिस्पेक्ट से बाद में इंटीग्रेशन करनी है वाई के रिस्पेक्ट से वैसे हम इनका आर्डर चाहें तो चेंज कर सकते हैं डी वाई और डी एक्स के आर्डर में भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं लेकिन जैसे उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं उसी तरह से सॉल्व करवा रहा हूँ पहले एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है तो क्या तरीका होता है लिमिट्स मालूम करने का पहले हम एक्स की लिमिट्स मालूम करते हैं पहले लोअर मालूम करते हैं बाद में अपर मालूम करेंगे और तरीका ये होगा कि हम एक हॉर्जेंटल लाइन बनाएंगे एक हॉर्जेंटल रे लेंगे जो इस रीजन को कट कर रही है ये इस रीजन को ये जो शेडेड रीजन है इसको लेफ्ट साइड पे जिस बाउंड्री पे कट कर रही है उस बाउंड्री का एक्स मालूम करेंगे वही हमारे पास एक्स की लोअर लिमिट होगी और ये जो हॉर्जेंटल लाइन हमने स्केच की है जो हॉर्जेंटल रे हमने स्केच की है जो इस शेडिड रीजन को कट कर रही है ये लेफ्ट मोस्ट पोजिशन ये वाली बाउंड्री पे कट कर रही है इस वाली बाउंड्री के लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो वाई स्क्वायर है हम लोअर लिमिट मालूम कर रहे हैं और लोअर लिमिट सिंपल एक्स इज इक्वल टू वाई ही आ गई है लोअर लिमिट जो x की है वो वाई स्क्यर आ गई है अब अपर लिमिट मालूम करने के लिए देखेंगे ये कि ये जो हमने हॉर्जेंटल रे स्केच की है ये हॉर्जेंटल रे जो हमने ड्रा की है ये इस रीजन को राइट right साइड पे किस बाउंड्री पे कट कर रही है वो बाउंड्री ये ब्लू कलर की है और इस ब्लू कलर की बाउंड्री की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्र है इसमें से x की वैल्यू मालूम करेंगे वो मेरे पास x की अपर लिमिट आएगी x की अपर लिमिट के लिए ये जो बाउंड्री है जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्र इक्वल टू वाई है इसमें से एक्स मालूम करते हैं कैसे एक्स मालूम होगा स्क्यर रूट लेंगे जब हम स्क्वेयर रूट लेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई का स्क्वेयर रूट आएगा ये वाली साइड जो है ये एक्स इजल टू पॉजिटिव वाई का स्क्वेयर रूट है इस साइड पे एक्स पॉजिटिव है और इस साइड पे एक्स इजल टू माइनस वाई का स्क्वेयर रूट है ग्राफ में लेकिन हमें इस बाउंड्री की जरूरत नहीं है हमें ये वाली बाउंड्री चाहिए जिसके लिए एक्स पॉजिटिव है तो यहां से हमारे पास एक्स इजक्वल टू पॉजिटिव वाई का स्क्वेयर रूट आ गया ये एक्स की अपर लिमिट आ गई अब हम वाई की लिमिट्स मालूम करेंगे और वाई की लिमिट्स मालूम करने का तरीका क्या होता है याद रहे ये एक्स और वाई की जो लिमिट्स आपने मालूम करनी है ये रीजन को स्केच किए बगैर मालूम नहीं करनी है रटा नहीं लगाना है जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होता जाता है रीजन चेंज होता जाता है लिमिट्स मालूम करना मुश्किल हो जाती हैं इसलिए रीजन को स्केच जरूर करना है क्या तरीका होता है वाई के लिमिट्स मालूम करने का इस रे को नीचे की साइड पे उस वक्त तक मूव करवाएंगे जब तक ये रीजन को कट कर रही है नीचे की साइड पे वो लोएस्ट पोजीशन जहाँ पे ये इस रीजन को कट कर रही है उसका वाई नोट करेंगे उसका वाई हमारे पास जीरो आया है तो वाई की लोअर लिमिट हमारे पास ज़ीरो आ गई है y की अपर लिमिट मालूम करना चाहेंगे और y की अपर लिमिट मालूम करने के लिए इसी रे को अपवर्ड डायरेक्शन में उस वक्त तक मूव करवाएंगे जब तक ये इस रीजन को कट करती रहे ये इस रीजन को इस पॉइंट पर अपर साइड पर कट कर रही है और इस पॉइंट का y हमारे पास वन है y इज इक्वल टू वन जो है वो हमारे पास y की अपर लिमिट आ गई हमने x की लोअर और अपर लिमिट y की लोअर और अपर लिमिट्स मालूम कर ली हैं तो इस इंटीग्रल को जो उसने वैलुएट करने के लिए दिया है पहले इनर इंटीग्रल लिखते हैं इनर इंटीग्रल में हमने एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है इनर इंटीग्रल में एक्स की जो लोअर लिमिट है वो वाई स्क्यर है और एक्स की जो अपर लिमिट है वो वाई का स्क्यर रूट है फिर आउटर इंटीग्रल में वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है वाई की लोअर लिमिट जीरो है वाई की अपर लिमिट वन है यानी हमारे पास ये जो इंटीग्रल है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्यर डी एक्स डी वाई जिसको हमने इंटीग्रेट करना है ये इस आईटीट इंटीग्रल के इक्वल आ गया है जिसमें इनर में इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट से और आउटर में इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं अब तो सिर्फ काम रह गया है कि हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं पहले अंदर एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे लेफ्ट साइड तो हमारे पास वही है जिसका आंसर हमें चाहिए राइट right साइड पे पहली टर्म में एक्सक्वेयर की इंटीग्रेशन कौन से रूल से पावर रूल से पावर एक बढ़ा लें और उससे डिवाइड कर लें तो एक्स क्यूब ओवर थ्री आ गया प्लस सेकेंड टर्म में वाई स्क्र कॉन्स्टेंट है वन की इंटीग्रेशन करनी है एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वाई स्क्वेयर कॉन्स्टेंट होगा सेकेंड टर्म में वन का इंटीग्रल एक्स आ जाएगा तो वाई स्क्र एज इज और वन का इंटीग्रल एक्स और ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट का स्क्वेर रूट है इन्हें हम राइट साइड पर लिख लेंगे स्क्वेर और का स्क्वेर रूट। और का रूट आउटर इंटीग्रल में हमने इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट से अभी करनी है पहले हम इस इनर इंटीग्रल को कंप्लीट करेंगे इस इनर इंटीग्रल को कंप्लीट करते हैं लिमिट सब्सिट्यूट करते हैं पहले अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह अपर लिमिट वाई का स्क्यर रूट पुट किया तो वाई का स्क्वेयर रूट उसकी पावर थ्री ओवर थ्री आ गया प्लस सेकेंड टर्म में एक्स की जगह यहाँ वाई का स्क्वेयर रूट पुट करेंगे तो प्लस वाई स्क्वेयर और वाई का स्क्वेयर रूट आ गया ये हमने एक्स की जगह अपर लिमिट सब्सिट्यूट कर लिया है उसके बाद हमारे पास दरमियान में माइनस आएगा अब एक्स की जगह लोअर लिमिट वाई स्क्वेयर पुट करेंगे तो वाई स्क्वेयर का क्यूब ओवर थ्री हो जाएगा फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म में एक्स की जगह यहाँ वाई पुट करेंगे तो प्लस वाई स्क्र इंटू वाई स्क्र आ गया और आउटर इंटीग्रल में हमने वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अभी करनी है वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं वाई स्क्र रूट की पावर थ्री ये वाई की पावर थ्री बाई टू हो गई और नीचे थ्री आ गया वाई की पावर वन बाय टू और वाई का स्क्र पावर्स जैड हो जाएंगी टू प्लस वन बाई टू जो है वो y की पावर फाइव बाई टू हो गई ये माइनस हो जाएगा वाई स्क्र का क्यूब हल करेंगे तो वो y की पावर सिक्स आ जाएगी y की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी नीचे वाला थ्री एज इट इज माइनस प्लस माइनस और वाई स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर वाई की पावर फोर हो गया और y के रिस्पेक्ट से हमने इंटीग्रेशन करनी है तो y के रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेशन करने लगे हैं y की पावर थ्री बाई टू ओवर थ्री में नीचे वाला थ्री कांस्टेंट है वाई की पावर थ्री बाई टू की इंटीग्रेशन पावर एक बढ़ा लें और नई पावर से डिवाइड कर लें थ्री बाई टू में एक ऐड करेंगे तो फाइव बाई टू हो जाएगा तो वाई की पावर फाइव बाई टू और नीचे फाइव बाई टू से डिवाइड कर लिया नीचे वाला थ्री कांस्टेंट एज इट इज़ प्लस वाई की पावर फाइव बाई टू में फिर पावर रूल लगा पावर एक बढ़ाई तो पावर सेवन बाई टू हो गई और इस नई पावर से डिवाइड भी कर लिया इसी तरह से माइनस वाई पावर सिक्स ओवर थ्री में नीचे वाला थ्री एज इट इज रहेगा वाई की पावर सिक्स को एक ऐड करेंगे तो सेवन पावर हो जाएगी और इस नई पावर सेवन से डिवाइड भी कर लेंगे इस तरह से माइनस वाई की पावर फोर में पावर एक बढ़ाई वाई की पावर फाइव हो गई और फाइव से डिवाइड कर लिया और ये जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है जीरो से वन इन्हें हमने राइट right पर लिख लिया और इन लिमिट्स को हल करने का तरीका क्या होता है पहले अपर लिमिट लिखेंगे वन माइनस लोअर लिमेंट लिखेंगे जीरो जब यहाँ वन लिखेंगे तो वन की पावर फाइव बाई टू वन ही हो जाएगा यहाँ पे भी वन की पावर सेवन बाई टू वन ही हो जाएगा वन की पावर सेवन वन ही हो जाएगा वन की पावर फाइव वन ही हो जाएगा तो वन लिखने पे ये टू ऊपर चला जाएगा और फाइव थ्री जो फिफ्टीन आ जाएगा ऊपर टू आ गया और नीचे हमारे पास फिफ्टीन आ गया और y की पावर फाइव बाई टू में वन लिखने से वन हो गया यहाँ पे y की जगह वन लिखने पे वन हो जाएगा और ये टू बाई सेवन बन जाएगा यहाँ पे वन लिखने से वन हो जाएगा और सेवन थ्री का ट्वेंटी वन हो जाएगा माइनस वन ओवर ट्वेंटी वन यहाँ पे वन लिखने से माइनस का वन ओवर फाइव आ गया फिर दरमियान वाला माइनस और जब वाई की जगह यहाँ सब जगह ज़ीरो लिखा तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो माइनस जीरो माइनस जीरो, जीरो सारा कुछ जीरो हो गया इन सारी फ्रैक्शंस को आप कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर लेंगे जब आप इन्हें कैलकुलेटर की मदद से ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिक्स बाई थर्टी फाइव ये जो इंटीग्रल उसने दिया था और एक रीजन दिया था डोमेन दी थी जिसके ऊपर हमने इसको वैल्यूएट करना था हमने इसको उस डोमेन के ऊपर वैल्यूएट कर लिया है आज हमने 2023 के प्योर मैथ के पेपर में से क्वेश्चन नंबर फाइव को सॉल्व किया है मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आने वाले दिनों में आज के लिए इतना ही